नमस्कार दोस्तों, मैं मीनू चावला, मैं स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे आज के इस सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे मोदी केयर के एसेंशियल टी ट्री ऑयल के बारे में। ये कंपनी का एक ऐसा स्टार प्रोडक्ट है जो हर घर में होना ही चाहिए, और ये इतने सारे काम करता है कि टॉप, अगर मैं टॉप से लेकर टॉप तक बात करूँ तो भी इसके मतलब बेनिफिट ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन आज मैं इसके 10 to 11 बेनिफिट जो है आपको बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसका जो नाम है टी ट्री ऑयल, इंस्टेंट टी ट्री ऑयल, इसको ही मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। कई लोग इसका मीनिंग निकाल लेते हैं कि ये चाय की पत्तियों से जो है तेल निकाला गया है, तो ये वो चीज़ नहीं है। कई इसे लौंग का तेल या कुछ भी इसको बोलते हैं, तो ये एक पौधा होता है। टी ट्री ऑयल जो है एक पौधा होता है, उसकी पत्तियों से ये तेल निकाला जाता है। इसकी जो मैक्सिमम खेती जो है वो ऑस्ट्रेलिया में की जाती है, वहाँ से इसको इम्पोर्ट किया जाता है। तो आइए हम इसके बेनिफिट और यूजेस के बारे में बात करते हैं। पहले तो ये किसी भी फर्स्ट पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये स्किन इन्फेक्शन, बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन, फंगल स्किन इन्फेक्शन, मतलब वायरल स्किन इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, इस टाइप में जो है ये काम करता है। और दूसरा मैं आपको बताऊं, जिनकी स्किन पे एक्ने बहुत ज़्यादा होते हैं वो लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आप एक कॉटन बर्ड्स, ये पैकिंग इसकी ऐसी होती है, इसके अंदर से मैं खुद ही से यूज़ कर रही हूँ, ये मेरा यूज़ किया हुआ प्रोडक्ट है। ऐसे ये बॉटल आती है और इस तरह से जो है ये ऊपर ड्रॉपर है, ड्रॉप ड्रॉप करके इसमें से निकलता है। ऐसे हमने कॉटन बर्ड लेनी है, कॉटन बर्ड पे हल्का सा इसको आपने लगाना है, लगा के जहाँ पे भी आपका पिंपल है वहाँ पे उसको लगाना है। इसको आपने इंटरनली नहीं यूज़ करना, इसको सिर्फ आपने एक्सटर्नली यूज़ करना है। मतलब ऐसा नहीं है कई लोग मतलब पानी में डाल के और इसको पी जाएं, इसको हमने इंटरनली यूज़ नहीं करना है। अपने बॉडी पार्ट्स पे जहाँ पे भी हमने इसको यूज़ करना है एक्सटर्नली यूज़ करना है। तो हम बात कर रहे थे एक्ने की, अगर जिनकी स्किन सेंसिटिव है तो वो इसे नारियल तेल में मिक्स करके, थोड़ा सा नारियल तेल लो, उसमें 2-4 बूंदे टी ट्री ऑयल की डालो और फिर अपने पिंपल्स या एक्ने पे जहाँ पे भी आपको जरूरत है वहाँ पे लगा लो। अगर आप मतलब इसको जेल में मिक्स करके, जैसे मोदी कर का फेयरनेस जेल आता है, अगर आप उसमें मिक्स करके इसको लगाना चाहते हैं आफ्टर फेस वॉश, तो भी आप इसको लगा सकते हैं। अगर आपके पास प्योर चंदन है उसमें मिक्स करके आप इसको लगा सकते हैं, या फिर कई लोग हनी में मिक्स करके इसको लगाते हैं, तो हनी में भी आप इसको मिक्स करके जो है लगा सकते हैं। तो तीसरे पॉइंट पे मैं बात करूँ कि फेस वॉश, जब हम लोग फेस वॉश करते हैं या क्लींजर यूज़ करते हैं तो कैसे करना है उसको, 2 ड्रॉप जो है या 1 ड्रॉप हमने क्लींजर के लिए, उसमें 1 ड्रॉप हमने टी ट्री ऑयल लगाया। ध्यान रहे कि आइज़ के कॉन्टैक्ट में ना आए, मैंने पहले ही आपको बोला है कि इसको इंटरनली यूज़ नहीं करना है। आई के अगर कॉन्टैक्ट में आता है तो तुरंत उसको वॉश कर लें, इचिंग हो सकती है आपको, लेकिन आइज़ बंद कर लें और झाग बना के इसको आप मतलब यूज़ करें अपने फेस पे और फेस वॉश कर लें। इतना मतलब जिस भी क्लींजर या फेस वॉश में आप इसको मिक्स करके यूज़ करेंगे, आपको रिज़ल्ट जो है आपका डबल हो जाएगा। कुछ ही दिनों में आपका फेस जो है ग्लो करने लगेगा, इतना पेनिट्रेट है। जिस प्रोडक्ट के साथ आप इसको यूज़ करेंगे ये फास्ट रिज़ल्ट देता है उस प्रोडक्ट के साथ मिक्स होके। दूसरा, जिनको हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम है, जिनके हेयर पतले हैं थिन हैं, वो लोग नारियल तेल में इसको मिक्स करके, जैसे 100 ग्राम आपने नारियल कोकोनट ऑयल लिया, उसमें आपने 30 से 35 बूंदे जो हैं टी ट्री ऑयल की मिक्स करके आप उसको अपने डेली बेसिस पे, जैसे भी वीक में 2 times 3 times जैसे भी आपने इसको लगाना है आप लगा सकते हो, तो आपको इसके हेयर ग्रोथ में भी आपको फ़र्क नज़र आएगा। डैंड्रफ है आपके बालों में तो डैंड्रफ में भी ये आपका एक चमत्कारी काम करेगा। आपने शैम्पू में, जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं बालों को आप गीला कीजिए, शैम्पू में उसकी इसकी 2 से 3 बूंदे डालिए, उसको अच्छे से आपने वेट बालों में लगाइए और 5-6 मिनट के लिए आप उसको छोड़ दें, उसके बाद वॉश करें, तो डैंड्रफ जो है आपका 5 से 7 दिन में मतलब निकल जाएगा। अगर आप रेगुलर इसको यूज़ करते हैं तो डैंड्रफ कभी दोबारा आएगा ही नहीं। फिर मैं बात करूँ कि इसके
जैसे आपको फुट में सॉरी हेड में आपको पेन है, सिर में आपको दर्द है, तो आप इसको जो पेन किलर जो बाम यूज़ कर रहे हैं लगाने के लिए, उसमें आप इसको मिक्स करके लगाइए। ये इतना पेनिट्रेट कर देता है स्किन के अंदर कि उस बाम का जो आपको आधे घंटे में रिज़ल्ट मिलना था वो आपको 15 मिनट में ही मिल जाएगा। ये जो जलन जो भी हम लगाते हैं कोई क्रीम या बाम, उसमें मैंथोल होता है, या तो हमें जलन होती है या हमें ठंडक लगती है, तो उसका रिज़ल्ट जो है ये डबल कर देता है। आप जैसे क्रैक हो जाती हैं, हमारी हील्स जो हैं क्रैक हो जाती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है, उसमें आपने 2 से 3 बूंदें टी ट्री ऑयल की डालनी है और 5 से 10 मिनट आपने अपने पैरों को उसमें डिप करके रखना है। फिर उसको आप साफ़ करके जब आप जो भी क्रैक क्रीम यूज़ करते हो वो आप लगाओ, तो आपको रिज़ल्ट जो है अनबिलीवेबल रिज़ल्ट मिलेंगे। मैं खुद यूज़ कर रही हूँ इसको, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद आपके मेकअप के वाइप्स हैं या फिर आपके हैंकी हैं, जो भी हैं, आप उनको भी डिसइंफेक्टिव कर सकते हो इससे। आपको स्किन डिसीज़ है, स्किन से एलर्जी है, पानी में डालिए इसकी 2-4 बूंदे और नहा लीजिए, आपको किसी तरह की भी स्किन एलर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी। तीसरा, कोल्ड वायरल हो जाता है जैसे, या किसी को स्ट्रेस फील होता है, जैसे कोल्ड वायरल हो जाता है, तो आपने क्या करना है, जस्ट इसकी एक से मैं आपको करके बता देती हूँ, ये ऐसे आपने एक एक ऐसे बूंद लेनी है इसकी, और ये कान के नीचे ऐसे आपने दोनों तरफ जो है इसको अप्लाई कर लेना है, ऐसे कान के नीचे आप इसको ऐसे धीरे धीरे अप्लाई करेंगे और नाक के पास भी आप इसको लगा लेंगे, तो इससे आपको कोल्ड में भी रिलीफ मिलेगा। कई बार हम ऑफिस से आते हैं या किसी जॉब से बंदा आ रहा है तो मूड अपसेट होता है, हम स्ट्रेस में होते हैं बहुत ज़्यादा, तो भी आप यही जो मैंने अभी एक्शन किया यही वाला एक्शन आपने सेम करना है, तो इससे आपका जो है मूड फ्रेश हो जाएगा एकदम से। इसका अरोमा, इसकी फ्रेगनेंस इतनी अच्छी है कि आपका मूड एकदम से फ्रेश हो जाएगा। मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक इसके 10 to 11 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ना भी बताऊँ इस प्रोडक्ट के बारे में उतना ही कम है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिस्टेक्स आपने ये नहीं करनी कि सीधा, जिनकी सेंसिटिव स्किन है उसने सीधा इसको अपनी स्किन पे अप्लाई नहीं करना। दूसरा, इसको आपने एक्सटर्नली यूज़ करना है, इंटरनली यूज़ नहीं करना। और प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कम से कम आप अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि जो भी इन सब समस्याओं से जूझ रहे हैं उनको इस प्रोडक्ट का जो है फ़ायदा मिले। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, थैंक यू।